कितना ऊपर जाओगे? हमने 4 रन लग लिए हमारे साथ एक मतलब तो आपने जो बैठ के डील कर ली होगी, ऐसे जो को मिल जाएंगे खामोश बन जाएंगे। जो काम आपने भाई रोकना है, कोई पैसे लेके अगर करवाने की इजाजत सरप्रस्ती करोगे तो बंद कर दो ये थाने पे। कौन है ये बैठा हुआ? मेरे बच्चों ने यही जवान होना है। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटखा मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनुष्यात मिलेंगी इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। वो है कोई यार, क्या बात करता है? सानहे के दरमियान सड़कों और गलियों पर नजर आए, बल्कि अच्छी हुकूमत वो होती है सड़कों पर जिसका काम दिखाई दे। अच्छा हुक्मरान वो नहीं होता जो किसी आफत के दौरान अपने लाओ लश्कर के साथ मीडिया पर सबसे ज्यादा कवरेज हासिल करे, बल्कि अच्छा हुक्मरान वो होता है जिसने इदारों को इतना मजबूत कर दिया हो कि उसे ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलने और प्रोटोकॉल्स के नाम पर लोगों की जिंदगी मजीद दुश्वार करने की जरूरत ही ना पड़े। आप पाकिस्तान का कोई भी मसला उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे इदारे या तो मजबूत नहीं या फिर बददयानत और करप्ट हैं। आप किसी भी इशू की जड़ को खंगाल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर मुतल्लिका इदारे या महकमा अपना काम ठीक से कर रहा होता तो ये इशू कभी सर ही ना उठाता। आप किसी नागहानी आफत के नतीजे में होने वाले नुकसान का तजिया कर लीजिए, आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर डिपार्टमेंट्स ने अपना काम ठीक तरह से किया होता तो अवाम का जानी और माली नुकसान होने से बचाया जा सकता था। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मसला ही ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इदारे मजबूत करने की जानिब कभी तवज्जो दी ही नहीं। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने कभी महकमों को जाब्ते और कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश ही नहीं। हमारी हाकिम एलीट ने कभी निजाम को अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। इसलिए कि अगर इदारे और महकमे मजबूत हो गए, अगर निजामे सरकार से करप्शन का खात्मा हो गया तो हुक्मरान तबके के लिए भी अय्याशी और बदउनवानी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हर चीज अगर जाब्ताएकार के मुताबिक होने लगी तो हाकिम वक्त की शहनशाहियत और बुजरा की बादशाहत का तो खात्मा हो जाएगा। हर अफसर अगर अपने अपने मुजव्वजा तरीकाएकार के मुताबिक काम करने लगा तो इस मुल्क के जिल्ले सुभानी आलम पना और शहनशाह मौजम बयक जुम्बश अबू अपने जायज और नाजायज अहकाम की तामील किससे करवाएंगे? यही वजह है कि इस मुल्क में जान बूझ कर किसी इदारे, किसी महकमे, किसी जाब्ताएकार को मजबूत करने और करप्शन से पाक करने की कोशिश ही नहीं की गई। पुलिस का महकमा इसलिए सरे फहरिस्त है कि इस मुल्क की मकामी सियासत थाने कचहरी के गिर्द घूमती है। थाने और थानेदार का करप्ट होना सियासतदान को सूट करता है। पुलिस के निजाम में सकुम और बददयानतियां अवाम को हांकने वाले हुक्मरानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यही वजह है कि कोई भी हुकूमत हो, किसी ने भी पुलिस समेत किसी भी इदारे को मजबूत, शफाफ और सियासी असर और रसूख से पाक करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जिस दिन पुलिस का महकमा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिस दिन इस इदारे को करप्शन से पाक कर दिया गया, जिस दिन इससे वाबस्ता अहलकार और अफसरान कानून और जाब्ते के तहत काम करने लगे, उस दिन इन सियासतदानों और हुक्मरानों के गलत काम कौन करेगा? उस दिन हुक्मरानों की लाकानूनियत का दिफा कौन करेगा? यही वजह है कि पुलिस का महकमा हर गुजरते दिन के साथ कानूनी, अखलाकी और जहनी जबूहाली का शिकार हो रहा है। और यही वजह है कि हमें हर आए दिन पुलिस की करप्शन और बददयानती पर कोई ना कोई प्रोग्राम करना पड़ता है। हैदराबाद में टीम सरेआम पर मकामी पुलिस अफसरान के तशद्दुद के बाद हमने पुलिस करप्शन के मुख्तलिफ पहलुओं पर प्रोग्राम्स की जो सीरीज करने का वादा किया था, उसका आज दूसरा प्रोग्राम आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में
हम आपको बल्दिया टाउन के थाना सईदाबाद और एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के थाने में होने वाली करप्शन दिखाएंगे, हमेशा की तरह मुकम्मल सबूतों के साथ। बल्दिया टाउन के सईदाबाद पुलिस स्टेशन का तफ्तीशी अफसर हो या फिर एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के अहलकार, ये सब रिश्वतखोरी करके वो काम करवा रहे थे जिस काम को रोकने की इन्हें तनख्वाह मिलती है। बल्दिया टाउन में तफ्तीशी अफसर पैसे लेकर एक ऐसे शख्स की जमानत करवा रहा था जिसे पुलिस ने गुटखा बेचने और बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी भी झूठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको इस सीरीज के पिछले प्रोग्राम में दिखाया था। इन दिनों कराची के कुछ थानों में ये वतीरा बना लिया गया है कि पहले झूठे मुकदमे में शरीफ शख्स को गिरफ्तार करो और फिर रिश्वत लेकर खुद ही उसकी जमानत करवा दो या मुकदमा खत्म करवा दो, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के अहलकार और अफसरान एनक्रोचमेंट खत्म करवाने की बजाय एनक्रोचमेंट करने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं, और जाहिर है रिश्वत लेकर। खुद ही सोचिए उस मुल्क का क्या होगा जहां जुर्म को रोकने वाला इदारा पैसे लेकर वो जुर्म खुद करवाए, जहाँ तजावुजात के खात्मे के लिए कायम डिपार्टमेंट रिश्वत लेकर तजावुजात करवाने वालों का सरपरस्त बन जाए, वहाँ किस खैर की तवक्को की जा सकती है। टीम सरेआम इदारों और माफियाज के इसी गठजोड़ को बेनकाब करने की मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है, और आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कराची की बल्दिया टाउन पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक जाहिर करके गिरफ्तार किया जो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का हेड था। सिर्फ यही नहीं, उसके एक कम उम्र माजूर भाई को भी चालान में मुलजिम बनाकर पेश किया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है कि खानदान के जितने ज्यादा अफराद को शामिल मुकदमा या शामिल तफ्तीश किया जाएगा, खानदान वालों पर दबाव बढ़ेगा और वो जैसे तैसे कुछ भी करके कुछ बेच बाज के ज्यादा से ज्यादा रिश्वत का इंतजाम करेंगे ताकि उनकी जान खलासी हो सके। गुटके के मुबैना जाली केस में गिरफ्तारी के बाद तफ्तीशी अफसर ने रिश्वत का मुतालबा शुरू कर दिया। खानदान वालों ने हिम्मत करके टीम सरेआम से राबिता किया। हिम्मत इसलिए कि हमारे मुल्क में अब ये सोच रिवाज पा रही है कि बस दे दिलाकर मामला खत्म करने में ही इज्जत है। करप्ट पुलिस अहलकारों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई या शिकायत से मुश्किलात कम होने की बजाय ज्यादा होंगी, और फिर एक ऐसी सूरत में जब खानदान का एक फर्द पहले ही पुलिस की हिरासत में हो, एक मीडिया टीम को करप्ट पुलिस वालों को बेनकाब करने के लिए बुलाना यकीनन जुर्रत और हिम्मत का काम है। गुटके के मुबैना जाली मुकदमे में गिरफ्तार शख्स की रिहाई के लिए हमारा नुमाइंदा खानदान का फर्द बनकर उनके साथ तफ्तीशी अफसर से मिला जो कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी था। उससे दरख्वास्त थी कि वो लड़के की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकाले।